यहाँ पे मैंने कुछ नींबू लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इन नींबुओं को काटना शुरू करूंगी। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमें एक शीशे की जार होनी चाहिए हमारे पास। तो इस तरह से मैं नींबू कट करूंगी, पूरा दो पार्ट में नहीं करना, इस तरह से बस कट लगा दें, नीचे हल्का छोड़ दें और दूसरी साइड से भी इस तरह का क्रॉस का हम पूरा एक साइन बना देंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं बाकी नींबू को भी काट लूंगी। और जार में रखने से पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से नमक डालना है हमें नींबू में, दोनों तरफ से। जितना आप नमक डाल दें उतना अच्छा रहता है, जम्स फ्री रखता है नींबू को और बहुत दिनों तक ये चलता है। और इस तरह से शीशे के जार में आप डाल दें। अब अगर आप चाहें तो आप इस तरह से केवल नींबू डाल के भी इसे रख सकते हैं, और इसे हमें धूप में भी रखना पड़ता है ताकि ये ख़राब ना होए। और इसे आप फ्रिज में नहीं भी रखेंगे, बिना फ्रिज के भी रखेंगे इस नींबू को तो ये महीनों दिन तक चलता है। तो ये एक प्रोसेस है कि आप अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, फ्रिज काम नहीं कर रहा है, तो आप किचन में नॉर्मली इसे धूप दिखा दिखा के कुछ दिन तक आप रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नींबू लिया, इस तरह से कट कर दिया है और इसके जूस को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। इस प्रोसेस में ये करना बहुत ही ज़रूरी है कि नींबू कट करके नमक डाल दें और ऊपर से हमें नींबू का रस भी डालना होता है। तो इस तरह से मैंने एक नींबू का रस निकाल दिया। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ, दो नींबू डाला है तो एक नींबू का रस हमें डालना होता है। यानी कि अगर आप एक किलो नींबू प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसमें आधा किलो नींबू का आप रस इस तरह से डाल दें। अब आप चाहें तो इसमें केवल नमक ऊपर से छिड़क के आप इसे एयर टाइट बंद कर दें और रोज़ रोज़ धूप दिखा के इसे आप बिना फ्रिज के भी प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं डालने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ काली मिर्च के दाने डाले, थोड़े से मैं डालूँगी साबुत धनिया और एक तेज पत्ता डालूंगी। इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी डिश में डालेंगे इस नींबू को या फिर सलाद वगैरह में, तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर आप सलाद डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी फ्लेवर आता है। प्लस आप इसके नींबू को, ये जो नींबू है उनके छिलकों को आप कट करके सलाद में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप इस नींबू को प्रिजर्व कर सकते हैं और ये बहुत दिनों तक सेफ रहता है बिना फ्रिज के। इस तरह का पिकल भी आप देखे होंगे, दादी लोग बनाती थी, चाहे मम्मी लोग अभी भी बनाती हैं, बिना ये काली मिर्च वगैरह ना डालें तो भी आप इसे पिकल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है।